के पुतले की प्रतिकृति चौक के मध्य में स्थापित की गई है। स्थानीय मेडिकल चौक में छत्रपति शाहू महाराज का पुतला लगाने की मांग पिछले 20 सालों से बसपा कर रही है। 2022 में नागपुर मनपा ने एक प्रस्ताव पारित कर मेडिकल चौक में शाहू महाराज का पुतला व स्मारक लगाने की घोषणा की थी। शाहू महाराज के पुतले की प्रतिकृति चौक व मध्य में स्थापित की गई। स्थानीय मेडिकल चौक में छत्रपति शाहू महाराज का पुतला लगाने की मांग पिछले 20 साल से बसपा कर रही है। 2002 में नागपुर मनपा ने एक प्रस्ताव पारित कर मेडिकल चौक में शाहू महाराज का पुतला व स्मारक लगाने की घोषणा भी की थी, किंतु 20 साल में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। बसपा ने मेडिकल चौक पर प्रतीकात्मक पुतला लगाकर मनपा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोरों से शाहू जयंती मनाई जा रही। महाराष्ट्र प्रदेश के ओर से आज बंबई में प्रदेश लेवल का एक जयंती का बड़ा सम्मेलन है और वहाँ महाराष्ट्र के सारे पदाधिकारी बड़े पैमाने पे वहाँ पहुँचे। जो लोग उस सम्मेलन में नहीं जा सके वो लोगों ने नागपुर में लोकल लेवल पे ये एक प्रोग्राम का आयोजन किया है और ये मेडिकल चौक में इसलिए जानबूझ के किया गया आयोजन है। पिछले 20 साल से नागपुर के अंदर में शाहू छत्रपति का पुतला जो आज तक के नहीं बना, तो इस जगह पे शाहू छत्रपति का पुतला बिठाया जाएगा। 2002 को मंजूर किया था, लेकिन आज 20 साल हो गए, 2022 चल रहा, लेकिन आज तक के वो काम आगे नहीं बढ़ा। उस बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, शिवसेना की भी सरकार रही, राष्ट्रवादी की भी सरकार रही, तो ये चारों जो पार्टियां हैं ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के खिलाफ में हैं। वो चाहते नहीं है महापुरुषों के विचार बढ़े, महापुरुषों का सम्मान हो, ऐसा नहीं चाहते। इसलिए BSP उन महापुरुषों के सम्मान के लिए प्रतीकात्मक पुतला यहाँ हमने रखे है कि ये पुतला, इस टाइप का पुतला यहाँ इसी जगह मेडिकल स्क्वायर में बिठाया जाए। 148वें जयंती के उपलक्ष में यहाँ हम इकट्ठा हुए और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सारे बहुजन समाज को और सारे लोगों को उनके शाहू के जयंती के उपलक्ष में हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा के प्रदेश सचिव रंजना ढोरे ने की। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।